हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली है, मेरा नाम उत्तर है। नाम अली होगा यार, ये घातक मूवी देख रहे हैं और अभी तक इसमें जो है कातिया रात चल रहा है, बट थोड़ा अभी जान में जान आई। काशी भाई इनको सबक सिखा रहा है, नेक्स्ट पार्ट मिला है, देखते क्या होता है। प्लेस Thank you.
ठीक नहीं किया काशीनाथ, तूने ठीक नहीं किया। जब से होश संभाला है मैं कभी रोया नहीं, मगर तूने रुला दिया मुझे। पहले गांव दिया, फिर उसे कुरेद कुरेद कर रुलाया तूने मुझे। ठीक नहीं किया तूने। अरसा लग जाता है आतंक जमाने में, आधी जिंदगी गुजर गई मेरी, मगर तूने सात भाई थे हम, सबके सब शेर, उनमें से चार को तूने मार डाला। चार नहीं पांच, दो बचे हैं। अरे जीजाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? जीजाजी से आप यहां मारेंगे तो वहां चौक में इसकी मूर्ति बन जाएगी, लोग पूजा करेंगे इसकी। इसे ले जाकर मारिए उनके बीच जिनका मसीहा बना है ये, ताकि आपकी दहशत उनके दिल में पहले जैसी बनी रहे। जब चाचा के बच्चे, जब जब पहली बार तूने अकलमंदी की बात की। दीदी, अब बहुत जल्दी तेरी आत्मा को शांति मिलने वाली है, और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरी वो कसम जो तेरे इस लाचार भाई ने तेरी मौत पर खाई थी, कि जब तक तेरे हत्यारे कात्या और उसके भाइयों का पतन नहीं देख लूंगा, पड़ा रहूंगा यही उनके टुकड़ों पर, बेशर्मों की तरह ये नंगा बदल लिए। लेकिन दीदी, अब इस बेशर्मी को ढकने का दिन आ गया है, क्योंकि मैंने काशीनाथ की आंखों में कात्या का काल देखा है, कात्या का काल। काशीनाथ, तेरा चाहने वाला पानी लेकर आ गया, छोड़ दो उसे। काशीनाथ, इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी, इसी जमीन में इसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। क्या मारेगा तू उसे, क्या मारेगा? तू खुद मरा हुआ है, तू उसे मारेगा? अकेले ही तेरा सारा साम्राज्य खत्म कर दिया। अरे क्या रहा तेरे पास? भाग गए डर के मारे तेरे सारे गुंडे, मार डाला तेरे सारे भाइयों को। सबके सामने इसी चौक पर नचाऊंगा तुझे, अभी नचाऊंगा तुझे। अब हट, तू क्या नचवाएगा मुझे, क्या नचवाएगा? इसे बांध कर मर्द बनता है ये, अभी उठेगा, उठेगा अभी, और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ, और तू करेगा। Ah!
ये अच्छा है। Thank you.
बब्बर शेर है यार, ये हमारा तारा सिंह समीम प्योर काशी बोलो या फिर कदर का तारा बोलो भाई, इनके जुनून के आगे ना सब फेल है भाई। जो इनकी आवाज़ में जो दम है भाई, हर सिचुएशन में ना भाई ये एकदम ऐसा रोल निभाते हैं, रियल में हमें फीलिंग आती है भाई ये क्या हो गया। जो आज इसका अत्याचार किया ना भाई, उसको होना ही था उसका भाई, उसको कहते हैं जो जुल्म किए ना लोगों पर, बड़ा बहरहम गुंडा था। अरे ऐसा गुंडा हमने भी नहीं देखा, हमने इतनी मूवीज देखी है पर ये सबसे बड़ा बहरहम गुंडा था जो इंसान को कुत्ता बना रहा था भाई। ऐसे ऐसे सीन्स हमने देखे इस मूवी में भाई, बड़ी खतरनाक मूवी थी यार। राजकुमार संतोषी भाई, ये नाम भी बड़ा है भाई, पहले दामिनी में देखा नाम हमने राजकुमार संतोषी देखा, तो वो भी मूवी एक अलग ही लेवल की थी, पर यहाँ पर ये घातक तो भाई सबसे भाई आगे क्या मूवी थी यार, शुरू से लेकर आखिर तक क्या हमारा तारा सिंह यार कितना मासूम था। जब अपने फादर के साथ उसकी उनकी हर डांट छोटी मोटी बातें भी बर्दाश्त करता था, ऐसे यार उनकी बात मानता था, लेकिन इस कुत्ते कातिया ने उस बेचारे को क्या बना दिया, इतना भाई उसमें गुस्सा भर गया और जो उसका हशर करा रहा और लास्ट में कुत्ता बनाया ना, दिल को सुकून मिला यार, उसको कुत्ता ऐसे ही बना दे। खलनायक में भी अगर संजू बाबा उस गुंडे को ऐसे तड़पा दे ना, फिर और मजा आ, उसने ऐसे ही लटका दिया। पर ये हमारा तारा सिंह ही है जो गुंडों को इस तरह सबक सिखाता है, बहुत मजा आया यार। बस अगर बाबू जी जिंदा होते और बड़े भाई जिंदा होते ना तो और खुशी होती, पर वो बेचारे चली गए यार। और पहली बार हमारे ठाकुर साहब को भी हमने इतना ऐसा रोल करते हुए, वरना वो भी किसी से कम नहीं होते भाई, कोई बड़े खतरनाक होते, पर यहाँ पर वो भी एकदम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले इंसान थे। तो यार बस लास्ट में ये देखा गुंडा मर गया, अच्छा लगा, पर वो जिंदा होते और ज़्यादा अच्छा लगा यार। ठाकुर जी वाले जिंदा होते तो भाई चार चांद लग जाते, उनको भी खुशी मिलती तो भाई अभी हम आज़ाद हैं भाई, ये नहीं तो नहीं छोड़ने वाला कात्या बड़ा हरामी था, उसको जब मर गया ना और हमें भी बड़ी खुशी मिली, तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए नहीं तो भाई। ठाकुर जी को भी हमने देखा है बहुत सारी मूवी में, बड़ा गंदा रोल करते हैं, हमें डरा देते हैं पर हम भूल जाते हैं, पर ये कमी ना भाई अभी हमें याद रहेगा कि कात्या जैसा भी गुंडा था भाई, पर काशी ने जो हमारे तारा सिंह ने भाई इसकी भेंट बजाई, धजिया उड़ा दी ना, मजा आ गया। पहले तो वो बेचारा शरीफ था तारा सिंह, पर इस हरामी ने भाई उसको क्या क्या कर दिया। वो बाबू जी भी आए थे, वो कह रहे थे हम बाकी जिंदगी जो भी बची है मैं गांव जाकर गुजारूंगा, ये भी बेचारे जा रहे थे, पर इस कात्या ने अपनी मौत खुद चुनी भाई, इसको जो पीटा और घसीटा ना, तो भाई ये कात्या ने, ये तारा सिंह ने भाई हमारे ने क्या उसकी धुलाई की लास्ट में जबरदस्त, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने देखा सारा एंटरटेनमेंट था लाजवाब। सबसे जो सबसे जो अच्छी बात है ना, वो काशी ने जो किया, कात्या की जो संतानत थी ना उसको तबाह और बर्बाद कर दिया भाई, जो उसका जो भतीजा भी था उसने जो काम किया ना भाई, दिल को ठंडक दे दी, ऐसा पत्थर मारा उसका ताजदार, वो सारा कुत्ता का मजा आ गया देखकर, वो खुद ही गांव वाले नहीं है ये गांव वाले भी लास्ट में देखो कैसे चार लोग देखा, अब कात्या अकेला हो गया तो अभी टूट पड़ो, पहले उसके भाई थे सारे सांप सुन गए थे, देख ऐसा मजा आ गया। लेकिन काशी ने ऐसा काम किया ना, कुत्ता बना दिया उसी को लास्ट में, बोला भौंक, वो भी भौंक रहा था, देखो ना सब जब खुद की बारी है तो भौंकना ही पड़ेगा, तारा बड़ा हरामी था। बाकी जो काशी ने किया ला जवाब भाई, आज तक भाई ऐसा हमने पागल इंसान नहीं देखा है भाई, काशी जैसा जोश में आ गया, मर भी गया फिर भी घसीट रहा है उसको, उठो ना भौंको, गुस्सा है भाई हमें ये जोश खुश कर दिया, ऐसा आ गया नेवला भी सीधा हो गया। अब भाई क्या बताइए, खिलाड़ी से बेस्ट थी, खिलाड़ी भी थी बट ये भाई टॉप पर जाएगा हमारी दामिनी और ये घातक तारा सिंह भाई, गदर भी आ भाई, तारा सिंह की जो भी मूवी देखी है ये वन होती है सबसे ऊपर भाई। और हम तो सबसे बड़े फैन अब इनके हो गए, तारा सिंह हमारा काशी भाई, नाम अब काशी भाई मिलेंगे भाई, शिव जी के भक्त है काशी भाई। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है लाइक शेयर जरूर करना, मिलेंगे किसी और।